इंसान को न्याय नहीं मिलता है तो वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। ऐसा ही एक मामला जिले के थाना कोतवाली चंदपा क्षेत्र के गांव नगलाबास का है। यहां नगलाबास की रहने वाली पीड़ित महिला प्रीति को उसके पति मुकेश जेठ गोपाल व जीतू ने मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया और पीड़ित महिला के बच्चों को ससुरालजनों ने अपने पास ही जबरन रख लिया। पीड़ित महिला ससुरालजनी द्वारा अपने पास रखने की शिकायत लेकर थाना कोतवाली चंदपा पुलिस के पास पहुंची। ससुरालजनों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन जब थाना कोतवाली चंदपा पुलिस द्वारा पीड़ित महिला की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो गुस्से में आकर पीड़ित महिला प्रीति थाने के सामने आत्महत्या करने के लिए हाईवे पर लेट गई, जिससे थाना पुलिस में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में थाने पर तैनात महिला कांस्टेबल ने पीड़ित महिला को बामुश्किल हाईवे से घसीटते हुए थाना के अंदर ले गई। वहीं इस पूरे मामले में जिला के अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ससुराली जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साथ ही महिला के पति को थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते हुए वह महिला के बच्चों को बरामद कर महिला के सुपुर्द करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक प्रश्न चिन्ह चंदपा पुलिस पर भी लगा है कि अगर पीड़िता की पहले ही सुनवाई हो जाती तो उसे इस प्रकार हाईवे पर लेटकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। क्या नाम है आपका? प्रीति नाम है। कहाँ की रहने वाली हो? नगलाबाद। क्या बात है जो थाने आई हो आप? मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं आ रही यहाँ पे बिल्कुल भी। कहाँ, क्या मामला था? मार छेड़ करी है, मेरे से छेड़ भी करी है, सारी फट रही हूँ। किसने की? मेरे जेठ ने। और मेरे जेठ के लड़के हैं दो। तो आज आपको थाने या रोड पर क्यों लेट गई? लेट गई इसलिए लेटी थी, मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, 12 साल से घूम रही हूँ यहाँ पे। कौन कौन है मारपीट करने वाले तुम्हारे साथ में? मेरे जेठ के लड़के थे दोनों, जेठ था ये बड़े वाले का लड़का था, एक मेरा पति था। आपकी बहन के साथ में आप बतानी थी मारपीट? हाँ, मेरी बहन के बारे में बस सिर फाड़ दो मेरी बहन को। आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है? ना, बिल्कुल नहीं हुई है अभी भी। पुलिस कह रही है कि आपकी तहरीर के आधार पर NCR दर्ज कर दी। ना ना ना, बिल्कुल नहीं करी है। किसकी हुई है सर? किसकी हुई है? लेट गई इसलिए लेटी थी, मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे है, 12 साल से घूम रही हूँ यहाँ पर।